बेरोजगारी आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आप प्राइस राइज कंट्रोल नहीं कर पाए, आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी का आरोप सही है कि महंगाई मैन मोदी, महंगाई मैन मोदी ये बुलाते हैं, कांग्रेस का कैंपेन है पाठक साहब। हाँ ये तो बुलाएंगे ना, इनका तो नैरेटिव खड़ा करने का कारण काम है, ये करेंगे। इनसे पूछिए इन्होंने कर्नाटक में क्या किया, कर्नाटक में जाते ही 3 रुपया डीजल बढ़ा दिया, जैसे हिमाचल में इनकी सरकार बनी वैसे 3 रुपया डीजल बढ़ा दिया। आज सबसे पूरे प्रदेश में उठा करके देख लिए, सबसे ज्यादा महंगाई इधर कर्नाटक में है। कर्नाटक की स्थिति इतनी खराब हुई है, आज अभी कल की एक रिपोर्ट आई है कि वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी की पूरी हमारी जो इकोनॉमी है वो उसका बंटा बैठ गया है, रोज पैसे मांग रहे हैं इनसे उनसे केंद्र सरकार से। इनका काम ही है निगेटिव चीजें करना और निगेटिव चीजें फैलाना, झूठे और फाल्स वादे करना। सरकार ने 10 साल पहले ये जिस स्थिति में भारत को छोड़कर के गए थे, आज दुनिया में हम सबसे मजबूत स्थिति में है, सबसे ज्यादा ग्रोथ करती हुई इकोनॉमी हमारी है। इन्होंने जो भारत को दे करके गए थे वो तो पूरा इनका प्लान था कि भारत को दिवालिया कर दो, उस दिवालियापन को देकर के भारत 2014 में इनकी विदाई हुई थी और तीसरी बार इसीलिए इनकी विदाई हुई है। तीसरी बार भी इनकी सरकार इसलिए नहीं बन पाई है, यहाँ का युवा, यहाँ का बाकी के सब मजदूर, बाकी सभी लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस आती है तो कांग्रेस इस देश में सिर्फ और सिर्फ जहां इनकी सरकारें हैं वहां इन्होंने क्या किया, हिमाचल में 3 महीने के अंदर 3 रुपए डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। आज जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की शासित प्रदेश है वहां डीजल का दाम देख लीजिए और इनके यहाँ देख लीजिए, वहां महंगाई देख लीजिए, इनके यहाँ महंगाई देख लीजिए कि क्या स्थिति है। ये सिर्फ और सिर्फ फाल्स बोलने वाले लोग हैं, राहुल गांधी का कोई नैरेटिव चल नहीं पा रहा है। तीसरी बार एनडीए की बहुमत की सरकार बनी है, ये इसी तरह की चीजें करते रहेंगे, इससे जनता के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रदीप जी।